हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पोटरगाइस्ट मूवी के बारे में। ये रिलीज्ड हुआ है 1982 में। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.3। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं। उस फैमिली में स्टीवन और डाइना रहते हैं। उनके तीन बच्चे रहते हैं, रॉबिन, डाना, कैरल। और रात का समय रहता है, कैरल टीवी के सामने आकर कहती है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ, जोर से बताओ। तभी सारे घर वाले नीचे आकर कैरल को देखने लग जाते हैं। फिर दूसरी सुबह जब डाइना घर क्लीन कर रही होती है, तब डाइना के घर एक बर्ड रहता है, वो मर जाता है। और कैरल कहती है, मॉम मुझे बहुत खराब लग रहा है। उसके बाद उस बर्ड को कैरल एक डब्बे में रख कर दफना देती है और अपनी मॉम से कहती है, क्या मुझे गोल्डफिश मिल सकती है। फिर कैरल अपने रूम में गोल्डफिश को खाना दे रही होती है, तब डाइना आकर कहती है, रात हो गई है, सो जाओ। उसके बाद कैरल और रॉबिन को सुलाकर वहां से अपने रूम में चली जाती है। तभी डाइना स्टीवन से कहती है, कैरल को नींद में चलने की आदत है। और वहां कैरल और रॉबिन काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनके घर के बाहर एक बड़ा सा पेड़ रहता है। फिर कैरल और रॉबिन दोनों उनके मॉम डैड के पास जाकर सोते हैं। तब अचानक से टीवी चालू हो जाता है और कैरल उठ के टीवी के पास जाती है और टीवी में से एक हाथ निकलता है और बेड को जोर जोर से हिलाने लग जाता है। तब कैरल कहती है, वो आ गया है। नेक्स्ट डे डाइना ब्रेकफास्ट करते समय कैरल से पूछती है, तुम कल रात क्या कह रही थी कि वो आ गया है, कौन आएगा। कैरल कहती है, वो टीवी वाले लोग। उसके बाद ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद कैरल फिर से टीवी के सामने जाकर बैठ जाती है और टीवी चल रहा होता है, लेकिन अचानक से बंद हो जाता है और रॉबिन की प्लेट में स्पून रहता है, वो टेढ़ी हो जाती है। फिर बेडरूम में डॉग बेड पे चढ़कर भौंकने लग जाता है। तब डाइना डॉग से कहती है, क्या हुआ, तुम भौंक क्यों रहे हो। और डाइना डर जाती है। उसके बाद डाइना बेडरूम से बाहर आकर देखती है कि चेयर जगह पर नहीं है। और डाइना चेयर ठीक करके किचन में जाकर फिर से आकर देखती है कि चेयर टेबल के ऊपर सजा के रखी है। तब डाइना कैरल से पूछती है कि ये टीवी वाले हैं, क्या तुम देख पा रही हो। कैरल कहती है, नहीं। फिर शाम में जब स्टीवन ऑफिस से घर आता है, तब डाइना स्टीवन को किचन के अंदर जाकर दिखाती है कि चेयर कैसे अपने आप हिलती है, और ये देखकर स्टीवन शॉक हो जाता है। उसके बाद डाइना कैरल को उस सर्कल पे बिठाती है और कैरल भी शिफ्ट होकर सामने की तरफ जाती है। फिर रात का समय रहता है, रॉबिन अपने रूम में सोया हुआ रहता है। तभी अचानक से पेड़ घर के अंदर आकर रॉबिन को अपनी जड़ों से खींच लेता है। तब स्टीवन और डाइना रॉबिन को बचाने के लिए बाहर जाते हैं और कैरल रूम में बैठकर मामा मामा पुकारती है, लेकिन कोई कैरल की आवाज सुन नहीं पाता है। और तेज हवा कैरल को अपने रूम से खींच कर लेकर चली जाती है। तब बाहर स्टीवन रॉबिन को बचा लेता है। फिर सब कैरल को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन कैरल नहीं मिलती है। तभी रॉबिन को टीवी में कैरल की आवाज सुनाई देती है और रॉबिन अपनी मॉम को पुकारता है और कहता है, कैरल टीवी में है। तब टीवी में से कैरल की आवाज सुनाई देती है कि मम्मी मैं आपको देख नहीं सकती, आप कहाँ हो। फिर दूसरी सुबह स्टीवन डॉक्टर लेस के पास जाता है। डॉक्टर लेस्ट एक साइकोलॉजिस्ट रहती है। डॉक्टर लेस्ट स्टीवन से कहती है, क्या इन घटनाओं के बारे में पब्लिसिटी हुई है। स्टीवन कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्टर लेस्ट कहती है, क्या आपकी फैमिली को इन घटनाओं की गहरी छानबीन ठीक लगेगी। स्टीवन कहता है, हमें सिर्फ अपनी कैरल को ढूंढना है। उसके बाद डॉक्टर लेस्ट की टीम स्टीवन के घर आते है। घर आने के बाद स्टीवन अपना रूम ओपन करके दिखा आता है, वो रूम में सारी चीजें घूम रही होती है। उसके बाद डाइना कहती है, आप कब से भूतिया घर की छानबीन कर रहे हैं। डॉक्टर लेस कहती है, डाइना ये पता लगाना है कि ये भूतिया घर है कि नहीं। तभी टेबल पे जग रहता है, वो अपने आप शिफ्ट होने लगता है। डाइना कहती है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरी बेटी यही कहीं जिंदा इस घर में है। फिर डाइना टीवी चालू करके डॉक्टर लेस से कहती है, इस चैनल पे अच्छी आवाज आती है। उसके बाद
डाइना कैरल को आवाज देती है और कहती है क्या तुम डैडी को हेलो कह सकती हो। तब कैरल अपने डैडी को हेलो कहती है। डाइना कैरल से कहती है क्या तुम मुझे देख सकती हो। कैरल कहती है मामा आप कहाँ हो, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, मुझे रोशनी से डर लगता है। तभी डॉक्टर लेस कहती है उसे कहो रोशनी से दूर रहो, और मार्टिन ऊपर देखने जाता है। तब कैरल चिल्ला के कहती है मम्मा मुझे बचाओ प्लीज। डाइना रोते हुए डॉक्टर लेस से कहती है उसकी मदद करो, आपको सुनाई नहीं देता है। फिर डॉक्टर लेस डाइना से पूछती है आपको क्या लगता है कैरल कहाँ पर खेल रही थी जब वो गायब हो गई थी। डाइना कहती है उसके बेडरूम की कबर्ट में। डॉक्टर लेस कहती है चलो ऊपर चलते हैं। स्टीवन कहता है वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। डॉक्टर लेस कहती है उसके बारे में हम देख लेंगे। तभी ऊपर से मार्टिन नीचे आकर कहता है मैं बच्चों के बेडरूम में जाने वाला था तो पता नहीं किसी चीज ने मुझे काट लिया। तब डॉक्टर लेस वो काटने का निशान देखकर कहती है हम रात नीचे ही गुजारेंगे। उसके बाद रात में डॉक्टर लेस अपने दो पार्टनर से बात करती है कि यहाँ से कुछ हिला है, टीवी पे से वो आवाज कहाँ से आ रही है। मार्टिन कहता है वो आवाज अंतरिक्ष से आ रही है, अगर लिविंग रूम बाहर जाने का रास्ता है तो अंदर आने का भी रास्ता होगा। फिर मार्टिन किचन में कुछ खाने के लिए जाता है, तभी फिश और चिकन कीड़ों से भरा रहता है और वो देखकर मार्टिन को उल्टी आती है और मार्टिन अपना मुंह धोने जाता है। तभी वो महसूस करता है कि कोई उसका मुंह फाड़ रहा है और किचन से बाहर आने की बात देखता है कि कोई रोशनी के जरिए ऊपर से नीचे आ रहा है और सब लोग देखते हैं ये क्या है, और वो रोशनी छत की तरफ से गायब हो जाती है और इनके कैमरे में सब रिकॉर्डिंग हो जाता है। फिर डॉक्टर लेस स्टीवन से कहती है मैं लैब जा रही हूँ, कुछ मदद लेकर जरूर आऊंगी और रायन आप लोगों के पास रहेगा, और वहाँ से चली जाती है। फिर स्टीवन के घर उसका बॉस आकर कहता है क्या हुआ तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो। तभी स्टीवन कहता है हम सबको फ्लू हो गया है इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद स्टीवन मिस्टर टीक्यू को घर से बाहर लेकर जाता है और मिस्टर टीक्यू कहता है अब तुम्हें उस घर में रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम घर यहाँ बना रहे हैं और तुम यहाँ रहोगे। स्टीवन कहता है पूल के लिए जगह कम पड़ेगी। मिस्टर टीक्यू कहता है ये पूरी जमीन हमारी है, हमने कब्रिस्तान को हटाने की व्यवस्था कर ली है। स्टीवन कहता है ऐसा कुछ करना बहुत गलत होगा। मिस्टर टीक्यू कहता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी हमने पहले किया है। स्टीवन पूछता है कब। मिस्टर टीक्यू कहता है 74 में वेस्टर्न वार्ड पर। स्टीवन कहता है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन कोई शिकायत कर सकता है। मिस्टर टीक्यू कहता है अभी तक किसी ने नहीं किया है। फिर हम रात का समय देखते हैं और स्टीवन के घर टेंजीना आती है और टेंजीना कुछ फील करती है। उसके बाद टेंजीना दौड़ के ऊपर जाती है। फिर टेंजीना नीचे आकर डाइना से कहती है तुम्हारी बेटी जिंदा है और वो इसी घर में है, और पूछती है लास्ट बार कैरल को कहाँ देखा था। डॉक्टर लेस इशारे में बताती है। तब टेंजीना कहती है बच्चे की अलमारी कहाँ है। डाइना अब तुम्हें मेरे और अपनी बेटी के लिए ताकतवर बनना होगा, अभी मैं जो कहूंगी वो करना होगा। डाइना कहती है मैं वादा करती हूँ। फिर ऊपर जाकर बॉल ड्रेसी मंगवाती है। उसके बाद टेंजीना डाइना और स्टीवन से कहती है चलो अब कैरल को बुलाओ। डाइना कैरल को आवाज देती है लेकिन कैरल आवाज नहीं देती है। तब स्टीवन से कहती है कैरल से गुस्से से बात करो, कहो कि मैं तुमको बहुत मारूंगा। तभी कैरल कहती है मम्मी मेरी मदद करो। डाइना कैरल से कहती है मैं रोशनी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद कैरल का रूम ओपन करते हैं और रूम में काफी रोशनी और हवा रहती है। फिर रूम के अंदर टेंजीना जाती है और रायन से कहती है तुम नीचे जाओ, और स्टीवन से कहती है मुझे बॉल दो। बॉल लेकर उस रोशनी में फेंकती है और वो बॉल नीचे जहाँ रायन रहता है वहाँ वापस आता है। फिर एक रस्सी का साइड रोशनी में फेंकती है और दूसरी साइड डाइना के कमर पे बांध के रोशनी की तरफ भेजती है और डाइना चली जाती है। तब स्टीवन कहता है कैसे पता चलेगा उसने डाइना को पकड़ लिया है, कब पता चलेगा। और स्टीवन रस्सी खींचने लग जाता है, तब वो शैतान स्टीवन के सामने आ जाता है। तब स्टीवन रस्सी छोड़ देता है और उस शैतान के मुंह में से डाइना अपनी बेटी कैरल को छुड़ा के नीचे लेकर आती है। फिर डाइना और कैरल को बांट
टब में रख देते हैं। तब स्टीवन कहता है प्लीज डायना और बेटी उठ जाओ। उसके बाद डायना और कैरल उठ जाते हैं। कैरल उठ कर कहती है हाय डैडी। फिर मूवी के लास्ट सीन में टेंजीना डॉक्टर लेस से कहती है अब ये घर सेफ है और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद स्टीवन और डायना अपने घर का सामान शिफ्ट करते हैं। तब डायना अपने मॉम से कहती है मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे जा रही हूँ, आज रात हमें यहीं सोना है। डायना कहती है शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते है कि हम होटल में रुके। फिर स्टीवन डायना से कहता है मुझे ऑफिस जाना होगा, मुझे कुछ चीज लेनी है, मैं जल्दी लौटूंगा। डायना कहती है हम जाने वाले हैं, याद है ना। स्टीवन कहता है हम जाएंगे, अगर बच्चों को नींद आए तो मेरे आने तक सुला देना। उसके बाद स्टीवन चला जाता है। और फिर हम रात का समय देखते हैं, तब कैरल और रॉबिन अपने रूम में खेल रहे होते हैं। तभी डायना आकर दोनों से कहती है अब तुम दोनों सो जाओ, मैं बाथरूम में जा रही हूँ। उसके बाद डायना बाथरूम में जाती है और वहाँ दोनों बच्चे सो जाते हैं। तब रॉबिन को एक टेडी वाला जोकर पकड़ लेता है। फिर डायना बाथरूम से बाहर आकर अपने रूम में सोने जाती है। तभी डायना को हवा पकड़ लेती है और वहाँ रॉबिन उस जोकर को फाड़ कर फेंक देता है। तब वहाँ शैतान फिर से आ जाता है और डायना को अपने रूम से फेंक देता है और बच्चों का रूम भी लॉक हो जाता है। और डायना घर के बाहर जाकर हेल्प मांगती है कि कोई मेरे बच्चों को बचाओ। तब वो शैतान डायना को स्विमिंग पूल में खींच लेता है, लेकिन किसी तरह डायना बाहर आने की कोशिश करती है। तभी उनके पड़ोसी डायना की हेल्प करते हैं और डायना को पूल से बाहर निकालते हैं। फिर डायना घर के अंदर जाकर रॉबिन और कैरल को बचाने जाती है। तब बच्चों के रूम में उस शैतान का मुंह खुला रहता है और काफी तेज हवा रहती है। उसके बाद डायना रॉबिन का हाथ पकड़ के दोनों बच्चों को खींच कर बाहर निकाल लेती है। तभी बाहर स्टीवन मिस्टर टीग्यू के साथ आता है और मिस्टर टीग्यू वो सब देख कर काफी डर जाता है। स्टीवन मिस्टर टीग्यू से कहता है तुमने कब्रिस्तान के ऊपर सारे घर बनवाए, तुमने सिर्फ कब्रिस्तान के पत्थर को ही हटाया है, उसके ताबूत को यहीं पर रखा, ऐसा क्यों किया। फिर डायना अपने बच्चों को बचाकर बाहर लेकर आती है। तब पूरे घर की जमीन फटने लग जाती है और पूरे कब्रिस्तान के ताबूत बाहर आ जाते हैं, क्योंकि पूरा शहर एक कब्रिस्तान के ऊपर बनवाया रहता है। और डायना अपने बच्चों के साथ कार में बैठ जाती है और स्टीवन भी डायना के साथ कार में बैठ कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी पूरा घर वो शैतान खा लेता है। उसके बाद मिस्टर टीग्यू वहाँ खड़े होकर काफी रोता है। फिर स्टीवन और उसका परिवार हॉलिडे होटल जाते हैं और वहाँ जाकर स्टीवन रूम से टीवी बाहर रख देता है। और इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.